रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और ये पहले हम यूनिटरी मेथड से करना सीख चुके हैं। अशरफ बॉट अ डजन पेन फॉर रुपीज़ 144। अशरफ ने एक दर्जन पेन 144 रुपए में ख़रीदे। अब अशरफ जो है वो जानना चाहता है कि अगर वो 15 पेन और ऐसे खरीदे तो उसे कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो आपको पता है कि इसमें हम पहले एक पेन की कीमत मालूम करेंगे और उसके बाद हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 पेन जो है, दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो उनकी कीमत 144 है। तो एक पेन की कीमत होगी 144 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 रुपये। एक पेन की कीमत जो है वो 12 रुपये है। अब हमने मालूम करना है कि 15 पेन की कितनी कीमत होगी। तो हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा 180 रुपीज़। यानी 15 पेन जो हैं इसी तरह के 180 रुपये में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, ज़िंदगी कम हो जाती है और हम थोड़ी मुद्दत के लिए दुनिया में आए हैं, तो क्यों ना अल्लाह से दोस्ती कर लें, जो रब्बे कायनात है, जो इस दुनिया का भी मालिक है और आखरत का भी। क्योंकि अल्लाह सूरह बकरा में फरमाते हैं, मैं जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे नूर की तरफ ले जाता हूँ और शैतान जो है वो रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो कब्रों को सजदा नहीं करते, वो तावीज़ नहीं पहनते, वो झूठ नहीं बोलते, वो गीबत नहीं करते, वो रिश्वत नहीं लेते और देते। और जो अल्लाह के दोस्त होते हैं सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। तो किस तरह से हम ये सीधा रास्ता फाइंड आउट करें? तो प्यारे बच्चों, अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। अल्लाह से दुआ मांगें, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। याद रखें कि अल्लाह 24 घंटे देख रहा है और अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करें, मौत को याद करें। छोटी सी ज़िंदगी के लिए दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है। इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनें, भलाई की दावत दें, हमेशा सच बोलें, अच्छे कामों में मसरूफ़ रहें, वक्त ज़ाया ना करें और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, तो इंशाल्लाह आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे और अल्लाह ताला आपको जो है वो रोशनी की तरफ ले जाएगा, नूर की तरफ ले जाएगा। हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ अनियन इस रुपीज़ 24। 2 किलोग्राम प्याज की कीमत 24 रुपये है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? What will be the cost of 12 kg of onions? 12 किलोग्राम प्याज की कीमत क्या होगी? आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले 1 kg अनियन की कीमत मालूम करेंगे। तो हमने 2 किलो की 24 है, तो 1 kg की क्या होगी? 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 को 12 रुपीज़ होगी। यानी 1 kg अनियन जो है उनकी प्राइस जो है वो 12 रुपये है। तो अब हम 12 kg को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 रुपीज़ आ जाएगा। यानी अगर हमें 12 किलो प्याज ख़रीदने हैं तो हमें 144 रुपये चाहिए होंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 12 टेलर्स कैन स्टिच 15 शर्ट्स इन अ डे। 12 दर्जी एक दिन में 15 शर्ट्स की सिलाई कर सकते हैं। तो अब हमने ये मालूम करना है कि अगर हाउ मैनी शर्ट्स विल बी स्टिच्ड बाय 28 टेलर्स इन अ डे, अगर 28 दर्जी मिलकर स्टिचिंग करें तो एक दिन में कितनी शर्ट्स की सिलाई करेंगे? तो प्यारे बच्चों, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। अब भी हम पहले सीख कर आए हैं कि हम एक शर्ट कितने दर्जी सीते हैं और उस हिसाब से उनको उसको 15 टेलर्स अगर 12 टेलर्स जो हैं अगर 15 शर्ट स्टिच करते हैं तो एक टेलर स्टिच करेगा 15 बाय 12, और 28 टेलर्स कितनी शर्ट स्टिच करेंगे? हम 15 बाय 12 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिड्यूस करके आ जाएगा 35 शर्ट्स। यानी 28 टेलर स्टिच 35 शर्ट्स इन अ डे, 28 टेलर 35 शर्ट्स एक दिन में स्टिच करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक की समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।